हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर इन रियल व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और अदनान बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत बीमार हो चुका है और रात से ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इसको फीवर भी है। क्या अब डर के ना? तो फीवर क्या, तो दवा खिला दिए, ठीक हो गया फीवर, लेकिन इसको रात से ही मतलब कंटिन्यू पॉटी हो रहा है और इसको एकदम लग रहा है बदन में हिम्मत बिल्कुल नहीं मिल रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा। थोड़ा बहुत दूध दिए, फिर पराठी चाय या फिर ज़्यादातर ये पानी ही मांग रहा है, तो इसको पानी दिए, पी लिया। बहुत ज़्यादा बच्चा मेरा बीमार हो गया है। अदनान आओ ना, क्या हुआ? अली पॉपली पॉपली, देखिए क्या हो बेटा को मिले? बीमार हो गया मेरा बेटा। हाँ कोई नहीं, अभी दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, है ना बेटा? हाँ मेरा सोना बेटा, मेरा क्यूचू बेटा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, है ना? निकलो ना, अब बिल्कुल नहीं सो रहा है। रात 3 बजे से जो कंटिन्यू जगा हुआ है तो अब तक ही जगा हुआ है ये, सो ही नहीं, ना सो रहा है ना सोने दे रहा है। तो अभी तो फिलहाल अभी हम जाएंगे नहाने के लिए क्योंकि इसका मतलब पॉटी वगैरह धुलाए हैं, तो जाहिर सी बात है छीटा तो पड़ा होगा, नापाक हो गए हैं। अभी जाएंगे नहाएंगे, फिर जोहर का टाइम भी हो चुका है, 2:10 हो चुका है, तो अभी नमाज भी पढ़ना है। और ये रह भी नहीं रहा किसी और के पास, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं गाइस क्या करना है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? तो आज है नेक्स्ट डे, मतलब कल मैं भी जो नहीं बना पाई थी क्योंकि अदनान की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके साथ साथ रोज़ा भी थे हम और परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बिल्कुल कुछ मतलब करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि पूरी टाइम इसके साथ ही रहना पड़ा मुझे। बार बार डिसअपॉइंटी हो रहा था, वोमिट हो रहा था इस वजह से। और रात से दवा खाया, थोड़ा सा बेटर है, लेकिन यही है, इसलिए परसों से कुछ भी नहीं खाया, मतलब दूध कुछ भी नहीं, जो खा दूध तो पी ही नहीं रहा, बाकी जूस वगैरह थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच दे रहे हैं, और कुछ खाता है तो वोमिट कर देता है। अभी क्या बोलते हैं, हाँ मुँह डाल, अभी मूंग दाल की खिचड़ी भी बना करके दिए तो वो भी नहीं खाया, पता नहीं जो भी कुछ ले रहा है मुँह में, एकदम वोमिट टाइप से कर रहा है इस वजह से। और 1-2 चम्मच जूस पिया है और फिर ये सो गया यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है, मतलब दवा तो खा रहा है, देखिए दुआ करिए आप लोग ये जल्दी से अच्छा हो जाए। बहुत ज़्यादा बेचारा कमज़ोर भी हो गया, एकदम पतला सा हो गया है। देख फीवर तो रात को आया था तो दवा दे लिए तो उतर गया, अभी माशाल्लाह मतलब अभी फीवर तो नहीं है, लेकिन अब दुआ करिए दोस्त, क्या बोल सकते हैं। हे गाइस, तो यहाँ मैंने पतीले में चढ़ा दिया है दूध, बॉयल होने कस्टर्ड बनाना है। और यहाँ थोड़ा सा दूध मतलब मैंने प्याला में अलग से ले लिया है ताकि इसमें मतलब कस्टर्ड पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ, क्योंकि डायरेक्ट डालने से क्या होता है कि वो छोटे छोटे मतलब वो बन जाते हैं गोल गोल, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं। तो अभी यहाँ पे कस्टर्ड डाल देंगे 3-4 चम्मच अपने हिसाब से, मैंने 1/2 लीटर करीब, हाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा दूध लिया था। और ये थोड़ा सा 1-2 कप एक्स्ट्रा मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो ये देखिए 3-4 चम्मच आप कस्टर्ड पाउडर ले करके इसे अच्छे से चला ले। तो ये देखिए फ्रेंड, ये रेडी है। अभी एक बॉयल आएगा दूध में, उसके बाद हम उसमें डालेंगे चीनी। ओके गाइस, तो यहाँ दूध में बॉयल आ चुका है, अब हम इसे 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से मतलब आप कितना मीठा खाते हैं, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा। ओके, फिर चीनी ऐड होने के बाद जब वो चीनी घुल जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो थोड़े से दूध में मैंने कस्टर्ड पाउडर को घोला था, मतलब घोल के रखा था, उसको धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, या तो मैं चीनी डाल रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो ये देखिए गाइस, चिली तो सारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड जो मैंने दूध में अलग से डाल के रखा था। तो इसमें एक साथ नहीं डालना है, जैसे भी इतना है तो या तो तीन बार आप डालें या फिर चार या तो फिर पांच बार, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मतलब ये क्योंकि जल्दी ये जम जाता है, थोड़ा थोड़ा सा डालें फिर इसे धीरे धीरे चलाएं। और फ्लेम जो गैस का होता है ना वो एकदम लो पे रखिएगा, नहीं तो वो जल्दी मतलब पक जाए, मतलब जम जाएंगे इस टाइप से। क्योंकि जैसे मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर मतलब ये घोल डाला, तुरंत में मतलब काढ़ा टाइप का होने लगा था। तो इसलिए फ्लेम को कम रखें और हल्का हल्का डाल करके इसे अच्छे से चला लें। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने लास्ट जो बचा था वो डाल दिया। ये कितना जल्दी काढ़ा हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे इसे पका लेंगे और ये समझिए ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है, क्योंकि ये देखिए इसका थिकनेस कितना ज़्यादा हो चुका है। तो आई थिंक ये रेडी है। अब हम गैस को बंद करके इसे छोड़ देंगे मतलब एकदम ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे फ्रूट। तो ये देखिए गाइस, फ्रूट के लिए मैंने लिया है अनार, सेब, केला और अंगूर, ये छोटे छोटे मैंने काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये ठंडा पूरा हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे सारे फ्रूट। ये देखिए, आप इस तरीके से फ्रूट को कट कर लीजिएगा अच्छे से। और मेरे पास तो इतना ही ऑप्शन में था तो मैंने ये सब डाला है। आपके पास जो है फ्रूट में तो आप डाल सकते हैं, बस इतना ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी वो पानी टाइप वाला फ्रूट नहीं डालेगा, जैसे कि तरबूज वगैरह होता है उस टाइप का, मतलब फ्रूट कोई सा भी ऐड नहीं करेगा, जो सूखा टाइप का ना वही ऐड करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको डाल देंगे फ्रीज़र में, क्योंकि टाइम अभी कम था, जैसे कि 5 से 10 मिनट बचा हुआ था इफ्तार होने में। तो अभी ठंडा इतना जल्दी कैसे होगा, मैं इसे फटाफट से अभी फ्रीज में रख कर के आती हूँ। हे यूट्यूब फैमिली, अभी शाम होने को है और अदनान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, थोड़ा मतलब दवा दी है वोमिट का भी किसको नहीं हो, लेकिन अभी तो बेचारा क्या बता जल्दी कर लीजिए, अभी सो रहा था लेकिन यहाँ पे एक शादी हो रही है, काफी डीजे बज रहा है इसलिए ये सो नहीं पा रहा है। क्या बेटा, चल जी, अच्छा बेटा चल, आए पापा, अदनान के पापा आइए। तो और अभी मैं जस्ट कस्टर्ड बना करके आ रही हूँ किचन से, तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करूँ। तबीयत सही नहीं है बच्चा का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह रमजान का महीना आप लोग दुआ करिए मेरे बेटा के लिए कि अच्छा हो जाए और इंशाल्लाह अदनान अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, होते तो होते ना रहता है सुना। अच्छा जी, मैं दिखाती हूँ आपको कस्टर्ड, ये मैंने फ्रीज में रखा है और ये देखिए फ्रीजर में रख दी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इफ्तारी को ज़्यादा, तो जल्दी से ये ठंडा हो जाए इसलिए मैंने इसे फ्रीजर में करके डाल दिया। ये अभी पतीले में ही है, उसके बाद मैं निकालूंगी इसे कटोरी में, जब तक चिल हो जाता है ये तो खाने में अच्छा लगता है। तो अभी इसको फ्रीजर में डालनी है क्योंकि 10 मिनट बचा हुआ है इफ्तार को। तो चलिए, अभी अदनान तो सो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है वो, तो सुला देते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं, या तो फिर इफ्तारी दिखाते हैं या तो इफ्तारी के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। Thank you.
फैमिली तो स्टडी हो गई है, सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि आज आज फटाफट से हो गया और बहुत कम टाइम था इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ मास्क बनने और अदनान यहाँ पे दिख रहा है नाम अदनान, और ये अदनान को बहुत ज़्यादा पसंद है ना अदनान। जाए मम्मा ने मास्क पढ़ने जाए अदनान, हाँ मम्मा खुशी कर लीजिए जल्दी से अच्छा हो जाएगा। फैमिली तो अभी बज रहा है साढ़े 11 और हम लोगों ने खाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने में था मछली, चावल, दाल और हाँ खीरा का सलाद, काफ़ी ठीक था, मतलब अच्छा लगा खाने में। तो अभी सुबह से तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे, सिर्फ ये थोड़ा दिखा रहे क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मतलब वीडियो बनाने का पता नहीं मन सर नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें ब्लॉग तो डेली डालना है। परसों तो थोड़ा मतलब नहीं डाल पाए थे, वही परेशान थे, तो कोई नहीं जितना भी हो पाता है मैं बनाती हूँ वीडियो, लेकिन पता नहीं आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते मुझे। प्लीज़ गाइस आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट किया करो यार, मतलब थोड़ा सा तो देख लिया करो ब्लॉग, इतना मेहनत से बनाते बताओ, इतना परेशान होने के बाद ही ब्लॉग शूट कर रहे हैं, प्लीज़ देख लिया करो। और यहाँ तो इतना बच्चा सो रहा है, उसको तो बिल्कुल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब थोड़ा सा अभी मतलब इतना सा अभी मैंने वैसे दूध पिया है, उसके बाद वो सो गया है। दुआ करें कि आप लोग वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से फिर हम लोग जाएंगे ईद का मार्केटिंग करने के लिए, कुछ लेना है इसका कपड़ा लेना है। मैंने तो अपना ऑनलाइन मंगवाया, देखिए अभी तो आया नहीं, इंस्टा से मैंने कपड़ा ऑर्डर करा है, वो एक शरारा या गरारा है, वो आएगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हो चुका है सोने का वक्त, थोड़ा सा अभी वीडियो एडिट करना क्योंकि कल मुझे पोस्ट करना है सुबह सवेरे, तो जा रहे हैं वीडियो को एडिट करने। चलिए मिलते हैं फजीर में इंशाल्लाह आप लोगों से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी हो चुका है सही का वक्त, तो चलिए अभी मैंने तो ब्रश कर लिया अपना, अभी मैंने अपना चेहरी भी ले आया है रूम में, तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को क्या आज हम क्या खा रहे हैं। तो आज मैंने लिया है ये मछली जो रात बना था और ये खीर और डे रोटी, चलिए अभी फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है, तो ठीक है। तो गाइस सेड़ी का वक्त ख़त्म हो चुका है और मेरी आँख एकदम लाल हो पड़ी है, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, कल आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और आप लोग भी जाकर सो जाएं, बाय बाय, गुड नाइट, अभी तो गुड मॉर्निंग हो गया।